जो पॉइंट है वो यही है, एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। तो इसके अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि जो पॉइंट होता है आपका इसमें, सबसे पहली चीज तो आज हम पढ़ाएंगे आपको, जो टॉपिक आपका है वो है असेंबली, असेंबली प्रक्रम मींस असेंबली प्रोसेस। ठीक, असेंबली प्रक्रम, असेंबली प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि असेंबली होती क्या चीज है। हमारा पॉइंट ये है कि असेंबली कहते किसे हैं। तो असेंबली का मतलब यह होता है कि सारी चीजों को एक स्थान पर असेंबल करना, एक स्थान पर जोड़ना। तो यहां पर असेंबली का मतलब हुआ असेंबली, असेंबली का मतलब जोड़ना, असेंबली का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहां पर हम जोड़ने की जो प्रक्रिया करेंगे वो दो कंपोनेंट्स को आपस में, मतलब कोई मशीन है तो उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे उनको एक स्थान पर जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हर पॉइंट पर रखते चले जाएंगे। तो यहां पर जैसे अगर आपका है X1, X2, X3 और X4, ये चार हैं, तो अगर इनको जोड़ेंगे हम X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4, तो यहां पे हम लिख देंगे असेंबल। तो अगर हम इनको चारों को अलग अलग स्थानों से उठा के एक जगह पर रखकर जोड़ें तो इसे हम लोग कहते हैं असेंबल। और असेंबल करने के बाद जो प्रक्रम होता है उसे हम लोग कहते हैं असेंबली। ठीक है, तो किसी भी उत्पाद का जो निर्माण होता है, किसी भी उत्पाद का जो निर्माण होगा वो विभिन्न चरणों में लिया जाता है, वो एक ही चरण नहीं, वो विभिन्न प्रकार के चरणों में उत्पन्न होते हैं। तो उत्पाद का प्रथम चरण होता है उसके अंगों का निर्माण, उत्पाद का जो प्रथम चरण होगा उसके अंगों का। तो यहां पर अगर हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो हर अंग अलग अलग स्थान पर देखिए रखा है, X1 अलग स्थान पर, X2 अलग स्थान पर, X3 अलग और X4 अलग। अब हम सबको क्या करेंगे, अलग अलग स्थानों पर सबको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो X1, X2, X3 और X4। तो इस तरीके से हम उनको जब पहले क्या करेंगे, उनके अंगों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, और यह प्रक्रम आपका कहलाता है असेंबली प्रक्रम। तो 1, 2, 3, 4 और ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं है कि एक ही स्थान पर ये फिक्स है, ये आगे की ओर भी ये बढ़ती प्रक्रिया चली जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं असेंबली प्रक्रम। तो असेंबली प्रक्रम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। असेंबल का मतलब ही होता है जोड़ना। तो किसी भी उत्पाद को बनाते हैं जब हैं, जब किसी भी उत्पाद को हम बनाते हैं तो उस समय मेरा मकसद यही रहता है कि उनको सही ढंग से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो असेंबली हो जाती है। अब कैसे जोड़ते हैं इसका भी एक खाका हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहली चीज हम यहां बनाते हैं, एक डिब्बा बनाएंगे, कच्चा माल, फिर तैयार उत्पाद, फिर निरीक्षण, फिर असेंबली, फिर तो यहां देखिए इसको हम और बताते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपका आता है उत्पादन प्रक्रम, फिर
अब यहाँ पे तीन चीजें आपकी निर्धारित हो गई, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल। कच्चा माल को हम लोग क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। फिर है आपका तैयार उत्पाद, जो उत्पाद तैयार किया जाता है। फिर है निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन। निरीक्षण का क्या मतलब होता है? इंस्पेक्शन। और फिर है असेंबली। ठीक, असेंबली के बाद फिर आपका आता है नया उत्पाद। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सारे जो प्रक्रम है, ये किसी चीज को क्या कहते हैं, उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। तो कच्चा माल जो होगा, कच्चा माल यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है भाई। जिस प्रकार का हमको उत्पाद तैयार करना होता है, हम उसी प्रकार से अपने कच्चे माल की आवश्यकता रखते हैं। और हम जब भी किसी चीज को बनाते हैं तो उसकी सारी डिपेंडेंसी आपकी कच्चे माल के ऊपर ही होती है, कच्चे माल के ऊपर। फिर जैसा कच्चा माल रहेगा, उसी हिसाब से आपका उत्पाद भी तैयार हो जाएगा। फिर उसका निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, कच्चे माल के ऊपर जब हम उत्पादन प्रक्रम करते हैं तो क्या होता है? उत्पाद तैयार होता है। जब हम कच्चे माल के ऊपर उत्पादन प्रक्रम का प्रयोग करेंगे तो उत्पाद आपका तैयार होगा। ठीक, जब उत्पाद तैयार हो जाएगा तो फिर उसका निरीक्षण किया जाएगा। उत्पाद तैयार होने के बाद उनका निरीक्षण, और निरीक्षण होगा तो वहां पे गुणवत्ता की जांच होगी। तो ये दोनों चीजें आपके इनसे संबंधित हैं, कच्चा माल और ये तैयार उत्पाद। तो ये उत्पादन प्रक्रम के अंतर्गत लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे निरीक्षण। तो निरीक्षण भी क्या है? निरीक्षण आपका जो कच्चा माल तैयार उत्पाद, उसके बाद निरीक्षण की एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम गुणवत्ता की जांच करते हैं। हम निरीक्षण करते क्या करते हैं? गुणवत्ता की जांच करेंगे। और गुणवत्ता की जांच इसी बेसिस पर डिपेंड करती है। गुणवत्ता की जो जांच होगी वो इसी बेसिस पर ही डिपेंड करेगी। फिर है असेंबली। तो असेंबली यहाँ लिखा है दो अंगों का समन्वय। हम बता भी चुके हैं कि दो या दो से अधिक हम जब किसी चीज को जोड़ते हैं, जोड़ने का प्रक्रम होता है कि एक के में दूसरे को जोड़ना। तो एक में हम दूसरे को जोड़ेंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तभी जाके वो आपस में जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तब हम उसे कहेंगे ये असेंबल है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे असेंबली में मतलब दो अंगों का समन्वय। फिर है नया उत्पाद। नया उत्पाद मतलब विभिन्न अंगों के समन्वय से नया उत्पाद। मतलब जो विभिन्न अंग होंगे उनके समन्वय से एक नए उत्पाद की रचना होगी। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है नया उत्पाद। तो विभिन्न अंगों के समन्वय से नया उत्पाद। तो आप देख लीजिए कि कच्चा माल, कच्चे माल से हमारा उत्पाद तैयार हुआ, फिर उसका निरीक्षण किया गया, फिर उसकी असेंबली की गई, और फिर नया उत्पाद तैयार हो गया। अब हम एक एक करके पॉइंट पे आते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज के निर्माण में कच्चे माल की बहुत ज्यादा कैसा इंपॉर्टेंस होती है। कच्चा माल हमारा जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार से उसको हम लोग यूज करते हैं। तो जो कच्चा माल है तो वह यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो उसकी क्या करेंगे, हम मटेरियल की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हमेशा जो कच्चे माल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है कि उनके अंदर मैकेनिकल की प्रॉपर्टी है, कि इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी है, कि थर्मल की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। तो जो कच्चा माल होगा वो प्रॉपर्टीज के द्वारा ही बनाया जाएगा। अब कच्चा माल जैसे हमको बनाना है प्लास्टिक की कुर्सी, तो यहाँ पर कुर्सी जो है वो क्या, एक प्रोडक्ट है। कुर्सी क्या है? एक प्रोडक्ट। एक जो कुर्सी रहेगी वो आपका क्या कहलाएगा? एक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, और जो कुर्सी जिस चीज से बनी होती है वो उसका क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो कच्चा माल रहेगा वो आपका कुर्सी। तो कच्चे माल के अंदर कुर्सी किस चीज की बनी है? प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक के मटेरियल का प्रयोग करके ये कुर्सी बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक के अंदर जो उपस्थित मटेरियल है वो आपका क्या चीज़ है? प्लास्टिक है, और उसी का प्रयोग करके हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं, कुर्सी। तो यहाँ पर जो मटेरियल कच्चा माल प्लास्टिक यहाँ पे रहेगा, और फिर यहाँ उत्पाद तैयार उस प्लास्टिक की कुर्सी का रहेगा। सिंपल सी चीज, अगर हम आप पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आपके लिए डेस्क बेंच का निर्माण किया जाता है। अब डेस्क बेंच का जब निर्माण करते हैं तो वो किस चीज से बने होते हैं? सामान्यतः लकड़ी के बने होते हैं। तो लकड़ी का बना हुआ वह डेस्क और मेज, जो भी आपका डेस्क है, मेज है, कुर्सी है, ये चीजें लकड़ी से बनी होती हैं। और ये लकड़ी से बनेगी तो डेस्क मेज तो हमारा उत्पाद है, लेकिन उसका कच्चा माल तो लकड़ी होगा ना। तो वो लकड़ी का प्रयोग करके बनाया गया है। और किसका प्रयोग करके बनाया गया है?
लकड़ी का, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कच्चा माल यहाँ लकड़ी है, अब लकड़ी पे विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्रक्रम का प्रयोग करके हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं, डेस्क बेंच कुर्सी बच्चों के बैठने के लिए। तो यहाँ पे उत्पाद तो कुर्सी होगा लेकिन कच्चा माल यहाँ पे लकड़ी होगा या उड होगा। अब आते हैं हमारा जो उत्पाद तैयार हुआ है उत्पादन प्रक्रम का प्रयोग करके, अब उसका हम निरीक्षण करेंगे। देखिए किसी भी चीज को जब तक हम निरीक्षण नहीं करते तब तक हम उसको यह नहीं बता सकते कि उसके अंदर कमियां क्या है। तो हमको उनके कमियों को बताना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी कमियों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गुड़ निरीक्षण करके उसके गुणवत्ता की जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके गुणवत्ता की जांच। तो यहाँ पर हम उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उत्पाद बना दिए और उसकी क्वालिटी चेक ही ना करें। तो जब तक हम उसकी क्वालिटी नहीं चेक करेंगे तब तक उसको हम बता नहीं सकते कि ये मार्केट में उतरने लायक है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पर निरीक्षण जो है गुणवत्ता की जांच के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक, फिर है तो गुणवत्ता की जांच जो होगी वो निरीक्षण पद्धति के अंतर्गत आएगी। तो गुणवत्ता की जांच हो गई, गुणवत्ता की जांच निरीक्षण कमेटी के द्वारा की जाएगी और इनका एक गुणवत्ता की जांच एक मानक के आधार पर होती है। हर जो भी किसी भी चीज की अगर जांच करते हैं तो उसका एक मानक होता है, मानक एक, मानक दो, मानक तीन, मानक चार। अब उन चार मानकों के आधार पर हम उसकी जांच करेंगे। अब जांच हम करेंगे तो जब मानक तैयार रहेंगे तो हम उस पर टिक करते जाएंगे, हाँ इसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, गुड, एक्सीलेंट है, गुड, ये ड्यूरेबल है, गुड, ये अच्छी चलने चाहिए वाली, गुड। तो ये सारी चीजें गुणवत्ता की जांच के अंतर्गत आती हैं। अब जब गुणवत्ता की जांच हम कर लेते हैं निरीक्षण का कारण, तब उसकी हम असेंबली करते हैं। और असेंबली यहाँ लिखा है दो अंगों का समन्वय, या समन्वय या इसको कहते हैं जोड़, इनको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो दो अंगों का समन्वय जो होगा वही आपकी असेंबली कहलाएगी, दो अंगों का समन्वय ही आपकी असेंबली कहलाएगी। और असेंबली के आधार पर ही उनको हम क्या कहेंगे, असेंबल्ड प्रोडक्ट। तो असेंबली हो गई उनकी, अब फिर असेंबली जब कर देंगे तो हमको नया उत्पाद मिलेगा। हमको उत्पाद तो यहाँ पर भी मिल रहा था, उत्पाद तो हमको यहाँ पर भी मिल रहा था, लेकिन हमको यहाँ पर एक नया उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक नया उत्पाद प्राप्त होगा। और नया उत्पाद जो मिलेगा वो विभिन्न अंगों के समन्वय से नया उत्पाद हो रहा है। तो विभिन्न अंगों, तो यहाँ पे कई प्रकार के अंग यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, दो अंगों का समन्वय है और जब विभिन्न अंगों को जोड़ा जाएगा तब उससे एक नया उत्पाद हमको प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि नया उत्पाद हमको तब प्राप्त होगा जब विभिन्न अंगों के समन्वय से प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये पूरा प्रक्रम कहलाता है असेंबली प्रक्रम। ठीक, तो हम ये समझ लें कि दो अंगों को जब हम जोड़ेंगे और जब हम उनकी प्रॉपर्टीज को मिक्स करेंगे तो उनसे क्या है, एक नया उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक, तो उत्पाद बनाने के लिए पहले स्तर पर प्रथम दृष्टया में हमको उसमें क्या बनाना पड़ता है, कच्चा माल लेना पड़ता है। और जो कच्चा माल होता है उसी के आधार पर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जो कच्चा माल होगा, जो कच्चा माल हम प्रयोग कर रहे हैं वही आपका क्या है, यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। तो कच्चे माल से ही उत्पाद तैयार होगा, उत्पाद का निरीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण करके उसकी असेंबली की जाएगी। आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये निरीक्षण पहले कर लिया जा रहा है, असेंबली बाद में की जा रही है, ये तो पहले होना चाहिए था। तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई निरीक्षण करेंगे तब उसको हम जोड़ेंगे, अगर हम निरीक्षण नहीं करें असेंबली कर दें तब तो बाई चांस उसमें कोई एरर आए या कोई उसमें दिक्कत आए तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इंस्पेक्शन करके ही उनको जोड़ेंगे। तो असेंबली की जाती है हमेशा निरीक्षण करने के बाद। तो निरीक्षण हम सारी चीजों का कर लिए, टेस्टिंग कर लिए, गुणवत्ता की जांच कर लिए, फिर उनका हम असेंबली करेंगे। तो दो अंगों को जोड़ देंगे और फिर दो अंगों को जोड़ने के बाद हमको एक नया उत्पाद हमको प्राप्त हो जाएगा। तो विभिन्न अंगों के समन्वय से एक नया उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो विभिन्न अंग है उनको जब हम जोड़ेंगे तब एक नया उत्पाद हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है आपका असेंबली प्रक्रम। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि हम डिस्कस भी कर लें इनमें, कि किसी भी उत्पाद का जो निर्माण होता है वो आपके तीन चरणों से होकर गुजरता है। किसी भी उत्पाद का जो निर्माण होगा वो तीन चरणों से होकर गुजरता है। पहला आपका है उत्पाद का प्रथम चरण है उसके अंगों का निर्माण। पहला चरण क्या है आपका, पहला चरण जो है, पहला चरण अंगों का
निर्माण, यह पहला चरण है। ठीक, दूसरा चरण आपका है अंगों का निरीक्षण, और तीसरा चरण है अंगों की असेंबली। ये तीन चरणों से होकर गुजरता है। तो पहला है इसमें अंगों का निर्माण, दूसरा है अंगों का निरीक्षण, और तीसरा है अंगों की असेंबली। ठीक, तो तीन चरणों से होकर हर चीज गुजरती है, अंगों का निर्माण, अंगों का निरीक्षण और अंगों की असेंबली। तो इसी के द्वारा ही हम असेंबली की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले चरण में हम देखे भी अंगों का निर्माण, तो अंगों का जो निर्माण हम कर रहे हैं वो इसी बेसिस पर कर दे रहे हैं। हम अंग का निर्माण कर रहे हैं जो, वो इसी कच्चा माल और उत्पाद से तैयार कर ले रहे हैं। तो ये आपका पहला चरण कौन सा है, जो पहला स्टेज होगा वो आपका ये है, स्टेज वन। स्टेज वन, ये दोनों। ठीक, तो स्टेज वन में आपके दो पॉइंट्स आ गए, फिर आपके आ गए स्टेज टू, ठीक, फिर स्टेज थ्री। देखिए तीन चरण आपके हैं, पहला है आपका अंगों का निर्माण जो यहाँ हो गया, दूसरा चरण है निरीक्षण, और तीसरा चरण है उनकी असेंबली। तो ये तीन चरणों से होकर ये गुजरता है। ये क्या होता है, तीन चरणों से होकर ये गुजरेगा, अंगों का निर्माण, अंगों का निरीक्षण और अंगों की असेंबली। ये तीन के द्वारा ही उसको हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक, तो ये तीन चरण जो है ये इसी बेसिस पर कार्य करते हैं, अंगों का निर्माण, अंगों का निरीक्षण और अंगों की असेंबली। और यही उसके जो होते हैं वो मेन पॉइंट्स होते हैं। तो असेंबली प्रक्रम इसी के अंतर्गत ही लिया जाता है। ठीक, तो जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तब जाके ये पूरा एक हमको नया उत्पाद प्राप्त होता है। तो उत्पादन प्रक्रम के बाद, उत्पादन का प्रक्रम हो चुका है, उसके बाद दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर, मतलब उत्पादन प्रक्रम कंप्लीट हो गया, हो चुका है, दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर एक नए उत्पाद की रचना असेंबली प्रक्रम के अंतर्गत आती है। एक किसके अंतर्गत आएगी, असेंबली प्रक्रम के अंतर्गत। तो दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर एक नए उत्पाद की रचना असेंबली प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो उत्पादन प्रक्रम के बाद दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर एक नए उत्पाद की रचना असेंबली प्रक्रम के अंतर्गत ही आती है। तो असेंबली जो प्रक्रम होगा उसमें क्या है, दो या दो से अधिक उत्पादों को हम जोड़ देते हैं, और जब जोड़ेंगे तब हम कहेंगे कि नहीं, इनके जोड़ने से एक नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है और ये निरीक्षण के बाद हमको प्राप्त हुआ, और यही कहलाता है असेंबली प्रक्रम। फिर आपका है तीन विधियों द्वारा जोड़कर तैयार किया जाता है। ठीक, अब इनको जोड़ने की कौन कौन सी विधियां हैं ये भी हम पढ़ते हैं। असेंबली प्रक्रम के दौरान जोड़ने की विधियां, असेंबली प्रक्रम के दौरान जोड़ने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक, असेंबली प्रक्रम के दौरान जोड़ने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो तीन प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला यांत्रिक विधि द्वारा जोड़, पहला है
दूसरा है और तीसरा आपका है एडहेसिव विधि। पहला है यांत्रिक विधि द्वारा जोड़, दूसरा है फ्यूजन विधि द्वारा जोड़, और तीसरा है एडहेसिव विधि के द्वारा जोड़। ठीक, तो पहली विधि है यांत्रिक विधि द्वारा हम जोड़ते हैं तो किस प्रकार से वो काम करता है। ठीक, तो यांत्रिक विधि, अगर हम जोड़ने की प्रक्रिया तीनों की है, यांत्रिक विधि का मतलब होता है मैकेनिकल मैकेनिकल मेथड, फ्यूजन विधि मतलब फ्यूजन मेथड, और थर्ड है एडहेसिव विधि एडहेसिव मेथड के द्वारा। ठीक, तो पहला यांत्रिक विधि द्वारा जोड़, तो इसकी प्रमुख विधियां जो है वो निम्न है। तो यांत्रिक विधि द्वारा जोड़ते हैं तो उसके अंतर्गत की विधियां आपकी हैं, पहला है चूड़ीदार, दूसरा है रिवेट जोड़, तीसरा है प्रेस फिट, चौथा है स्नैप फिट, फिर है सिलाई द्वारा, यहां पर है थ्रेडेड जॉइंट, फिर है रिवेट जॉइंट, फिर है प्रेस फिट, फिर है स्नैप फिट, फिर है सीविंग एंड स्टिचिंग। ठीक, तो पहला आपका है थ्रेडेड जॉइंट, दूसरा है आपका रिवेट जॉइंट, तीसरा है आपका प्रेस फिट, फिर है आपका स्नैप फिट, और फिर है आपका सीविंग एंड स्टिचिंग। तो इन जोड़ों के द्वारा हम यांत्रिक विधि का प्रयोग करके इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये आपकी यांत्रिक विधि द्वारा जोड़ है, चूड़ीदार जोड़, रिवेट जोड़, प्रेस फिट, स्नैप फिट और सिलाई द्वारा। ये तीन प्रकार के हैं और इन्हीं तीन प्रकार के आधार पर हम इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो चूड़ीदार जोड़, रिवेट जोड़, प्रेस फिट, स्नैप फिट और सिलाई द्वारा। तो ये यांत्रिक विधियों का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। हम लोग कहते हैं यांत्रिक विधि, इसमें कहां लग रही है? तो यांत्रिक विधि इसमें जो है वो किस बेसिस पर है? आपका इसमें यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ चूड़ीदार जोड़, जैसे हम लोग कहते हैं जोड़ने की प्रक्रिया होती है, तो चूड़ी, आप देखते होंगे कि आपके घर में प्लम्बर काम करते हैं तो वहां पर एक पाइप को दूसरी पाइप से फिट किया जाता है। जैसे एक पाइप में दूसरी पाइप को फिट करेंगे, कैसे करेंगे? अगर कोई पाइप मोटी है, कोई उससे पतली है, तो दोनों को अगर फिट करना है तो फिट तो हम कर देंगे, लेकिन वो अंदर बैठ नहीं पाएगा, तो उसके लिए हमको चूड़ी काटनी पड़ती है। उन पाइपों के ऊपर के सतह पर हमको चूड़ियां काटनी पड़ती हैं, और चूड़ी इस नाते काटी जाती है कि वो दूसरी पाइप के ऊपरी सतह से जाके फिट हो जाए। तो दूसरी पाइप के ऊपरी सतह से क्या होती है? वो जाके फिट हो जाती है, तो वो आपकी कहलाती है चूड़ीदार जोड़। मतलब एक चूड़ी से, एक पाइप की चूड़ी पर दूसरी पाइप के चूड़ी जब आपस में फिट हो जाती है तो उस प्रकार के जोड़ को हम कहते हैं चूड़ीदार जोड़, थ्रेडेड जोड़। तो थ्रेड मतलब होता है यहाँ पे चूड़ी, थ्रेड मतलब होता है चूड़ी। तो जैसे अगर ये पाइप है तो ये पाइप के ऊपर ऐसे ऐसे थ्रेड कटे होंगे, ठीक, और दूसरी पाइप इसमें आके ऐसे फिट हो जाएगी वो भी। तो ये दोनों पाइपें कैसी हैं? एक दूसरे के अंदर ये फिट हो गई, तो एक पाइप वन और ये हो गई पाइप। अब ये दोनों क्या है? थ्रेड जॉइंट के द्वारा
आपस में जुड़ गई, थ्रेड जॉइंट के द्वारा आपस में क्या हो गई, ये जुड़ गई। तो इसे हम लोग कहते हैं चूड़ीदार जोड़, इसे हम लोग क्या कहेंगे, चूड़ीदार जोड़। तो इसे कहते हैं थ्रेड जॉइंट। तो चूड़ीदार जोड़ के अंतर्गत आपकी यही चीजें आती हैं आपकी, ठीक, थ्रेडेड जॉइंट। तो चूड़ीदार जोड़ आपका ये होता है। फिर है रिवेट जोड़, हम रिवेट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिवेट क्या चीज है, कौन सा जोड़ है, तो रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। और रिवेट के द्वारा जब जोड़ा जाएगा तो वहां पर कैसे जोड़ते हैं उसको, प्लेट्स को हम जोड़ते हैं। जैसे प्लेट वन और प्लेट टू, जैसे एक प्लेट आपकी ये है, ठीक, और एक प्लेट आपकी ये है, ठीक, और इन प्लेट्स को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो बीच में हम यहाँ पर रिवेटिंग कर देते हैं, बीच में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिवेटिंग कर देंगे। तो यहाँ एक हम पॉइंट करेंगे और छिद्र के द्वारा उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो रिवेट होगा वो रिवेट होगा, तो रिवेट के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो रिवेट जॉइंट के द्वारा उसको हम जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रिवेट के द्वारा उसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो रिवेटिंग उसकी एक प्रक्रिया है, रिवेटिंग एक उसकी प्रक्रिया है। तो रिवेट के द्वारा जोड़ने को हम कहते हैं रिवेट जोड़। तो यह भी एक मैकेनिकल विधि के द्वारा है, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट्स को हम आपस में एक छिद्र के द्वारा रिवेट के द्वारा जोड़ रहे हैं। तो रिवेट जब हम निकाल देंगे तो ये अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी प्लेट वन और ये हो गई प्लेट टू। तो हम जब दोनों प्लेटों को जोड़ेंगे तो बीच में एक रिवेट का जोड़ लगाएंगे, यहाँ पर उसको छिद्र करके यहाँ पर रिवेट लगा देंगे और रिवेट आपका ऐसे रहेगा। ये रिवेट इनके बीच में फिट हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस प्रकार से बने जोड़ को हम लोग कहते हैं रिवेट जोड़। इस प्रकार से बने जोड़ को क्या कहते हैं हम लोग, रिवेट जोड़। तो रिवेटिंग आपकी यही चीज होती है, रिवेटिंग कौन सी होती है, यही आपकी रिवेटिंग कहलाती है, तो रिवेट जोड़। फिर है प्रेस फिट। तो हम क्या करते हैं, उनको दबा के प्रेस करके जो जोड़ बनाते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्रेस फिट, ठीक। तो ये भी आपका एक प्रकार का जोड़ है, प्रेस फिट भी एक प्रकार का आपका जोड़ने के अंतर्गत ही आता है। फिर है स्नैप फिट। स्नैप का मतलब होता है किनारों को जोड़ना, तो उसे किनारों पर रख के उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का फिट आपका कहलाता है स्नैप फिट। सिलाई द्वारा आप देखते हैं बहुत से, सिलाई का मतलब हम सुई धागा आपके मन में आ गया होगा, वो सुई धागा, तो वही उसकी जोड़ भी होती है। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, सिलाई करके भी उनको आपस में जोड़ा जाता है। जो चीजें हैं उनको, हमको कपड़े को ही जोड़ना है तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, उसको सिलाई कर देंगे, उनकी स्टिचिंग कर देंगे। सीविंग मतलब सिलाई और स्टिचिंग मतलब क्या करते हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ये भी एक आपकी प्रक्रिया है जो किसके अंतर्गत आती है, आपकी यांत्रिक विधि के अंतर्गत आती है। तो यांत्रिक विधि के अंतर्गत ये प्रक्रिया भी किस क्या कहलाती है, सिलाई द्वारा जोड़। तो ये पांच प्रकार के हैं, चूड़ीदार जोड़, रिवेट जोड़, प्रेस फिट, फिर आपका स्नैप फिट, और फिर ये सिलाई द्वारा। तो ये पांच प्रकार के हैं और इनके द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक। तो ये हो गए आपके यांत्रिक विधि द्वारा जोड़। तो अब हम आते हैं आपके फ्यूजन जोड़ पे। ये तो हो गए आपके यांत्रिक विधि द्वारा, अगला है फ्यूजन जोड़। अगला है फ्यूजन मेथड, ठीक। फ्यूजन का मतलब ही होता है यहाँ पर उसको हमको एक तापमान का प्रयोग करके पिघला के जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक। तो तापमान के द्वारा किसी चीज को अगर पिघला के जोड़ा जाता है तो वो फ्यूजन जोड़ के अंतर्गत आता है। तो इस विधि में सामान्यतः हम लोग जो फ्यूजन जोड़ होता है उसमें सामान्यतः क्या करते हैं, सामान्यतः इसमें वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, तीन प्रकार के जोड़ों का हम प्रयोग करते हैं। मतलब फ्यूजन जोड़ के अंतर्गत तीन प्रकार की चीजें हैं, पहला है वेल्डिंग,
दूसरा है सोल्डरिंग और तीसरा है ब्रेजिंग। तो इन तीनों के द्वारा क्या करते हैं हम, जोड़ने का कार्य करते हैं, वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। तो अब इन्हीं तीनों के द्वारा उसको यूज किया जाएगा, ठीक। तो हम कहेंगे कि फ्यूजन जोड़ के अंतर्गत वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आता है और इनके द्वारा भी उसको जोड़ने का कार्य किया जाता है, वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के द्वारा। तो सामान्यतः जो फ्यूजन जोड़ होगा उसमें एक निश्चित तापमान पर दो चीजों को आपस में रख के जोड़ा जाता है, दो चीजों को आपस में रख के जोड़ा जाता है। और जोड़ने के लिए ये प्रकार की विधियां हैं। वेल्डिंग भी हम लोग जानते हैं कि दो धातुओं को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित तापमान पर दो धातुओं को पिघलाकर जोड़ा जाता है। जब एक धातु के सतह को हम पिघलाएंगे तो क्या होती है, दूसरी धातु के सतह से जाके पिघल के चिपकने लगे और वो जोड़ हमारा कहलाता है वेल्डिंग। फिर होता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में हम लोग एक सोल्डर का प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग में हम लोग एक सोल्डर का प्रयोग करते हैं और सोल्डर दो धातुओं के बीच में आपस में आके यहां जुड़ जाता है। जैसे ये है एक, अब इसी के बीच में एक हम सोल्डर लाके जोड़ दिए वैसे आके, तो ये आपका सोल्डर हो गया। दो धातुओं के बीच में एक लाके पॉइंट हम ये रख देते हैं ये धातु, तो इसे हम लोग कहते हैं सोल्डर। और ये सोल्डर जब दो धातुओं को आपके पार्ट वन और पार्ट टू को जोड़ता है तब ये कहलाती है सोल्डरिंग। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग। ये पूरी प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। तो सोल्डर के द्वारा दो पार्ट को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीजें आती है। तो सोल्डर के द्वारा उनको जोड़ने का कार्य किया जाता है, सोल्डर के द्वारा उनको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। तो सोल्डरिंग में एक सोल्डर का प्रयोग करते हैं जो दो चीजों को आपस में जोड़ता जोड़ा रखता है, एक निश्चित तापमान पर दोनों को पिघला के बीच में सोल्डर रखते हैं और वो सोल्डर दो धातुओं को आपस में पिघल के जोड़ देता है। फिर यहाँ ब्रेजिंग, ब्रेजिंग की प्रक्रिया भी एक निश्चित तापमान पर दोनों को गर्म करके जोड़ने की ही होती है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग, ये सब फ्यूजन वेल्डिंग जोड़ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं इन तीन प्रकार के विधियों के द्वारा। और जब इन तीन प्रकार के विधियों के द्वारा उनको जोड़ेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा कि किस पॉइंट पर किसको रखना है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी असेंबली प्रक्रम के दौरान जोड़ने की एक फ्यूजन विधि है और फ्यूजन विधि के द्वारा किसी चीज को आसानी से जोड़ा जा सकता है। अगली विधि आपकी है एडहेसिव, तीसरी विधि जो है एडहेसिव जोड़, एडहेसिव जोड़, एडहेसिव जोड़ इसे कहते हैं। ये सामान्यतः दो प्रकार के एडहेसिव के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक। सामान्यतः दो प्रकार के एडहेसिव के द्वारा जोड़ा जाता है। एक होता है आपका थर्मोसेट और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। तो एक होता है आपका थर्मोसेट और एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। तो इनके द्वारा इसको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको जोड़ने का। तो थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट, तो थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट के द्वारा ही इनको जोड़ने का कार्य हम कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, एडहेसिव जोड़ के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत है, एडहेसिव जोड़ के अंतर्गत इनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं असेंबली तंत्र का वर्गीकरण। असेंबली तंत्र का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ
असेंबली सिस्टम, द क्लासिफिकेशन ऑफ असेंबली सिस्टम। तो इसमें हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असेंबली सिस्टम। फिर है इसमें पहला है हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली। फिर है हस्तचालित असेंबली लाइन। तीसरा है स्वचालित असेंबली लाइन। तो ये तीन तरीके का है, एक है आपका हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, दूसरा है आपका हस्तचालित असेंबली लाइन, और तीसरा है स्वचालित असेंबली लाइन। देखिए हस्तचालित जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है कोई भी चीज है, तो हस्तचालित का मतलब है हाथ से चलने वाली, हस्तचल मतलब हाथ द्वारा चलने वाली प्रणाली या असेंबली। फिर है हस्तचालित असेंबली लाइन मतलब कि हस्तचालित असेंबली लाइन, और यहाँ पर क्या है एकल स्टेशन मतलब सिंगल स्टेशन यहाँ पर रखा गया और यहाँ पे असेंबली रखी गई है। फिर है स्वचालित व ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड का मतलब जिसमें किसी भी मशीन या उपकरण का प्रयोग करके उसको चलाने का कार्य किया जाता है वो कहलाता है स्वचालित या स्वचालन। क्या कहलाता है? स्वचालित या स्वचालन। तो हम तीनों को समझते हैं। हस्तचालित का मतलब होता है हैंड ऑपरेटेड या मैनुअल ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड सिंगल स्टेशन असेंबली, फिर है हैंड ऑपरेटेड असेंबली लाइन, और फिर है ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। ये तीन है आपके, ठीक, और तीनों को हम लोग जोड़ के रखते हैं। अगला हम इसमें पढ़ रहे थे कि आपका हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली। तो हस्तचालित का मतलब यह हो गया कि मैनुअली ऑपरेटेड सिंगल स्टेशन असेंबली होती है। फिर है आपका हस्तचालित असेंबली लाइन मतलब कि मैनुअली ऑपरेटेड असेंबली लाइन, और फिर है स्वचालित असेंबली लाइन मतलब इसे कहते हैं ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। तो अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं ये होती क्या चीज है। तो सबसे पहला है आपका हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली। अब ये समझ लीजिए क्या है कि यह बड़े आकार के उत्पादन तथा कम संख्या के उत्पादन, मतलब बड़े आकार एवं कम संख्या के उत्पादन, मतलब कि बड़े आकार एवं कम संख्या, दो इसका पॉइंट बहुत मेन है। बड़े आकार मतलब कि जहां पे साइज बहुत बड़ा होगा वहां पे, और उसकी संख्या कम होगी मतलब संख्या उसकी कम में कम यूज होगी लेकिन आकार उसका बहुत बड़ा होगा। आकार मतलब शेप उसका बहुत हैवी होगा लेकिन उसकी संख्या क्या होगी? बहुत कम होगी। तो बड़े आकार एवं कम संख्या के उत्पादन के लिए हम लोग हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली का प्रयोग करते हैं। इसमें दो से अधिक मजदूर प्रयोग नहीं किए जाते, दो से अधिक मजदूर प्रयोग नहीं किए जाते, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि इसमें दो से अधिक मजदूर का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज तो बड़े आकार एवं कम संख्या का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, तो आकार यहाँ पे क्या ले रहे हैं? आकार बहुत बड़ा लेंगे, और यहाँ पे संख्या क्या कर रहे हैं? हम कम कर दे रहे हैं। और दूसरी,
कि दो से अधिक मजदूर का प्रयोग नहीं किया जाता, दो से अधिक मजदूरों का प्रयोग हम इसमें नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं कि आकार बड़ा रखेंगे और संख्या को कम कर देंगे। आकार क्या होगा यहाँ पे, बड़ा हो जाएगा और संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बड़े आकार और कम संख्या के उत्पादन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक, दो से अधिक मजदूर प्रयोग नहीं किए जाते, मतलब कि दो से अधिक मजदूरों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम इसमें अधिक प्रयोग करेंगे तो हमको संख्या उसकी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पर संख्या कम कर दे रहे हैं। संख्या क्या कर रहे हैं, कम कर दिए, तो संख्या यहाँ पर कम कर दिए और दो से अधिक मजदूरों का प्रयोग भी हम नहीं कर रहे हैं। तो संख्या यहाँ कम करके हम क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े आकार और कम संख्या का उत्पादन भी यहाँ पर हो रहा है और वह हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली के अंतर्गत ही माना जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए क्या है। उदाहरण पहला है एयरक्राफ्ट, दूसरा है रेल इंजन, ठीक, तीसरा है कोच और फिर है शिप्स। अब देखिए एयरक्राफ्ट वायुयान में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, रेलवे के इंजन कोचेज में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक, और यहां पर उसको शिप्स में भी हम प्रयोग करते हैं। तो रेलवे इंजन और एयरक्राफ्ट और शिप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा सारी चीजों को आसानी से किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली यही होती है कि इसमें बड़े आकार एवं कम संख्या के उत्पादन के लिए यह उपयुक्त होती है। आकार बड़ा होगा और उसका क्या होगा, संख्या उसकी कम होगी। आकार बड़ा होगा लेकिन संख्या उसकी क्या होगी, कम होगी। और दो से अधिक मजदूरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजदूरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कमी संख्या में उसको हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और यह एग्जांपल है एयरक्राफ्ट, वायुयान का अगर हम कोई पार्ट बनाएंगे तो उसमें भी इसी प्रकार की पद्धति का प्रयोग हम करेंगे। तो है एयरक्राफ्ट, फिर रेल इंजन कोच, रेल इंजन के कोचेस का निर्माण हम लोग करते हैं, ठीक। तो रेल इंजन का जो कोच होता है उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका शिप, शिप का मतलब होता है आपका पानी का जहाज। तो जो शिप होगी वो उसी के द्वारा ही हैंडल की जाएगी, तो शिप्स के द्वारा भी इसको हम लोग चला सकते हैं। तो हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली यही होती है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि असेंबली लाइन तंत्र का वर्गीकरण बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, हस्तचालित असेंबली लाइन और स्वचालित असेंबली लाइन, ये तीन चीजें हमेशा पूछी जाती हैं। तो स्वचालित में आपका हो जाएगा ऑटोमेटेड असेंबली लाइन, फिर हस्तचालित में मैनुअली ऑपरेटेड असेंबली लाइन और फिर आपका है हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, इन तीन के आधार पर। फिर आपका है हस्तचालित असेंबली लाइन, नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, हस्तचालित असेंबली लाइन। मैनुअली ऑपरेटेड असेंबली लाइन मतलब कि हस्तचालित, हस्त का प्रयोग करके हम इसको चला रहे हैं, ठीक। तो यहां पर है इसमें कई कार्य स्टेशन की सहायता से असेंबली पूरी की जाती है। अब यहां पर आप समझिए ये कार्य स्टेशन क्या होता है। कार्य स्टेशन, ये कार्य स्टेशन किसे कहते हैं, तो एक बार हम इसको और थोड़ा डीपली बता दें आपको।
कार्य स्टेशन, इसे कहते हैं हम लोग वर्क स्टेशन। ठीक, अब कार्य स्टेशन को अगर हम बताएंगे तो यहां पर हम यहां पे वर्क स्टेशन को कह सकते हैं स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन थ्री, स्टेशन फोर और स्टेशन फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहां पे हम कितने स्टेशन देख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच स्टेशन मैं देख रहा हूं यहां पे। ठीक, और हर जगह पर किसी ना कोई कार्य यहां हो रहा है, एक दो तीन चार पांच। तो जो भी आपका वो उत्पाद होता है वो इन कार्य स्टेशनों से गुजर कर जाता है, तो जो उत्पाद होगा वो पहले स्टेशन पे जाएगा, मतलब प्रोडक्ट एट स्टेज वन। ठीक, अब फिर वही प्रोडक्ट आपका कहां जाएगा, स्टेज टू, फिर स्टेज थ्री, फिर स्टेज फोर, फिर स्टेज फाइव। तो ये पांच प्रकार के स्टेज आपके तैयार हो गए, मतलब स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर और स्टेज फाइव। अब ये पांचों स्टेशन से होते हुए नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहां पे स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन थ्री, स्टेशन फोर और स्टेशन फाइव, पांच प्रकार के स्टेशन आपके तैयार हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इन वर्क स्टेशनों से होते हुए नीचे की ओर आएगा। तो हम कहेंगे कि इनका जो चलने का तरीका रहेगा वो स्टेशन दर स्टेशन होगा, स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन थ्री, स्टेशन फोर, ऐसे करके वो चलते रहेंगे। तो इसी तरीके से कार्य स्टेशन पर इनकी उपलब्धता मौजूद रहेगी, तो इसी को कहते हैं वर्क स्टेशन। हर स्टेशन पर अलग अलग वर्क, और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं वर्क स्टेशन। स्टेशन वन प्रोडक्ट है सेकेंड फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, फिर फिफ्थ, और इन पूरे को हम लोग स्टेशनों को कहेंगे वर्क स्टेशन, कार्य स्टेशन, जहां पर कार्य को किया जा रहा है, जहां पर कार्य को क्या किया जा रहा है, कार्य को किया जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं वर्क स्टेशन। जहां पर कार्य को किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वर्क स्टेशन। अब चलते हैं हम अगले उस पे, तो अब हम पढ़ेंगे हस्तचालित असेंबली लाइन, हस्तचालित असेंबली लाइन मींस इसमें कई कार्य स्टेशनों, सबसे पहला पॉइंट है कई कार्य स्टेशन की सहायता से असेंबली पूरी की जाती है। कई कार्य स्टेशन मींस मोर देन टू वर्क स्टेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो गया कि यहां पर कई कार्य स्टेशनों की सहायता से प्रक्रम पे कार्य किया जा रहा है, तो यहां लिखेंगे हम मोर देन टू वर्क स्टेशन, मतलब कई कार्य स्टेशन। अब आपको फिक्स नहीं है कि जैसा आपका उत्पाद रहेगा उस हिसाब से उसको बनाया जाएगा, लेकिन यहां पर मोर देन टू वर्क स्टेशन के आधार पर हम उसको मान सकते हैं, मोर देन टू वर्क स्टेशन। फिर अवयवों को कई स्टेशनों पर अलग अलग जोड़ा जाता है। अब यहां पे है अवयव को कई स्टेशन पर अलग अलग जोड़ा जाता है। ठीक, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अवयव को कई स्टेशन पर अलग अलग जोड़ रहे हैं। तो जैसे कोई एक सिंगल अवयव है, अब यही अवयव को हम कई पांच स्टेशन बना देंगे, अब पांचों स्टेशन पर इसको हम जोड़ते जाएंगे। तो जैसे कोई अवयव है तो इसे हम लोग छोटा सा बना सकते हैं वर्क स्टेशन वन, फिर
वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन थ्री वर्क स्टेशन फोर। ठीक, तो यहां पर कई कार्य स्टेशन है, तो हम देख सकते हैं अगर कोई आपका एलिमेंट है, यहां पे हम जोड़ लें एलिमेंट। ठीक, अगर आपका एलिमेंट है तो हर स्टेशन से अलग होकर वो जाएगा, मतलब वर्क स्टेशन वन, फिर वर्क स्टेशन टू, फिर वर्क स्टेशन थ्री और फिर आपका प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो एलिमेंट जो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो कई स्टेशनों से गुजर कर जा रहा है। तो एलिमेंट वर्क स्टेशन वन पे, फिर वर्क स्टेशन टू, वर्क स्टेशन थ्री, वर्क स्टेशन फोर, तो इन सारे पर वो क्या करता है, जोड़ के कार्य करता है। तो वर्क स्टेशन वन टू थ्री फोर इन पर चलने के बाद फिर हमको एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो वर्क स्टेशन वन पे, वर्क स्टेशन टू पे, वर्क स्टेशन थ्री पे और वर्क स्टेशन फोर पे, इन सभी चीजों पे हम क्या करते हैं, करके इनका निर्माण करने की क्रिया करते हैं। तो इन जब इन सारी चीजों से वो गुजरता जाएगा तब जाके वो हमको एक नए उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट। वर्क स्टेशन वन, वर्क स्टेशन टू, वर्क स्टेशन थ्री, वर्क स्टेशन फोर और वर्क स्टेशन फाइव, इस प्रकार जाके हमको एक प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त होता है। तो एलिमेंट लिखा जो है अवयव को कई स्टेशन पर अलग अलग जोड़ता है। तो वर्क स्टेशन वन पे भी इसको एडम कर रहे हैं, दूसरे में भी जोड़ रहे हैं, तीसरे में भी जोड़ रहे हैं और चौथे में भी जोड़ रहे हैं। इस प्रकार चारों वर्क स्टेशन पर जोड़ने के बाद हमको यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हो जाता है, प्रोडक्ट हमको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, फिर इसमें है अंत में कार्य स्टेशन पर सभी जोड़ अवयवों का निरीक्षण होता है। फिर यहां पे है अंत में सभी सभी जोड़ अवयवों का निरीक्षण होता है, मतलब कि अंत में क्या होगा, जो सभी आपके जोड़ होंगे अवयव के उनका निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। अब निरीक्षण करने का मतलब यह हुआ कि उनको हम क्या करते हैं, निरीक्षण करेंगे तो उनका जितने भी पॉइंट्स या दिक्कतें होंगी उनको यहां पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो अंत में सभी जोड़ अवयवों का निरीक्षण होता है और जब निरीक्षण करेंगे तभी हम उसके अंदर की सारी दिक्कतों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग हस्तचालित असेंबली लाइन, हस्तचालित असेंबली लाइन, यह इसके अंतर्गत ही प्रयोग में आपकी लाई जाती है। फिर है स्वचालित असेंबली लाइन, स्वचालित असेंबली लाइन। स्वचालित असेंबली लाइन का मतलब यह हो गया ऑटोमेटेड असेंबली लाइन, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन स्वचालित असेंबली। तो इस स्वचालित असेंबली लाइन के अंतर्गत हम बता दें कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उनको किसी मशीन या उपकरण का प्रयोग करके जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जब किसी मशीन या उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो उसके द्वारा उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो जब जोड़ेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये इसमें किस मशीन या उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर मैनुअली कोई काम नहीं होता, सारा काम किसी मशीन या उपकरण के द्वारा ही किया जाता है। तो मशीन या उपकरण के द्वारा प्रयोग होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं स्वचालित असेंबली लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वचालित असेंबली लाइन। इसको हम लिख दें एक बार,
इसमें मजदूरों का यहां पर मतलब हो गया वर्कर, इसमें मजदूरों के स्थान पर स्वचालित मशीनों का, स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें क्या लिख रहा है, इसमें मजदूरों के स्थान पर स्वचालित मशीनों का, स्वचालित मशीन या उपकरण हम कह सकते हैं, मतलब कि जो खुद ही चले वो स्वचालित है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्वचालित मशीनों का या उपकरणों का प्रयोग करके इसको हम चलाने की क्रिया करते हैं। ठीक, तो इसमें मजदूरों के स्थान पर स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो मजदूरों के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, स्वचालित मशीनों या उपकरणों का प्रयोग करके उसको चलाने का कार्य कर रहे हैं। फिर है हस्तचालित असेंबली लाइन, हस्तचालित असेंबली लाइन, मैनुअली असेंबली लाइन, एक ऐसी असेंबली लाइन जो मैनुअली उसको हैंडल किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग, मैनुअली उसको हैंडल कर रहे हैं। तो हस्तचालित असेंबली लाइन, मैनुअली असेंबली लाइन। हस्तचालित असेंबली लाइन, ठीक। अब इसी देखिए, हस्तचालित का मतलब यहां पर किसी मशीन या उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी मशीन या उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर बस मजदूरों का प्रयोग करके उनको पूरी असेंबली को निर्माण कर रहे हैं। तो यह प्रणाली उन उत्पादों के लिए प्रयोग में या उपयुक्त तो मानी जाती है जो पूरी असेंबली के कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट सके। तो प्रत्येक कार्य स्टेशन पर मुख्य पार्ट पर अन्य अंगों को जोड़ने के लिए मजदूरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां मतलब एक बहुत बड़ी कोई असेंबली है और हमको जोड़ना है, तो पूरे कार्य को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपका जैसे कोई कार बहुत बड़ा होता है, ठीक, अब उस काम को आपको करना है तो आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जब छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो कहीं बड़ा पार्ट है और बड़े पार्ट को छोटे पार्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो छोटे 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 जोड़ते जोड़ते एक बड़ा पार्ट तैयार हो जाएगा। तो यहां पर हम यही करते हैं कि एक बड़े कार्य को हम छोटे छोटे भागों में बांट कर तैयार करते हैं। तो इसका एक फिगर जो है वह आपको दिखाएं। पहला है मुख्य अंग प्रवेश, मुख्य अंग प्रवेश, ये आपका हो गया कार्य स्टेशन, कार्य स्टेशन 01 पर। फिर कार्य स्टेशन 02 पर, फिर कार्य स्टेशन 03 पर, ठीक है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने कार्य स्टेशन, कार्य स्टेशन एक, कार्य स्टेशन दो और कार्य स्टेशन तीन, ठीक है। अब यहां पर फिर कार्य स्टेशन चार हमको प्राप्त हो रहा है, यहां पर कार्य स्टेशन चार, तो कार्य स्टेशन एक, कार्य स्टेशन दो, कार्य स्टेशन तीन और कार्य स्टेशन चार, ये चार कार्य स्टेशनों पर हमको कोई भी चीज क्या होती है, प्राप्त होती है। तो मुख्य अंग आपका यहां से प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद वो कार्य स्टेशनों पे बढ़ता चला जाएगा, कार्य स्टेशन एक पे, फिर दो पे, फिर तीन पे और फिर चार पे, ये चार इसी तरीके से ये बढ़ते क्रम में आगे की ओर चलता जाएगा। और फिर हमको क्या होता है, इसके यहां से जाने के बाद तैयार असेंबली, तैयार असेंबली से उत्पाद। अब हमको देखिए यहां पे जो असेंबली है उससे उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा किसी चीज को जोड़ा जा सकता है, इनके द्वारा किसी चीज को जोड़ा जा सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं हस्तचालित असेंबली लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं इसे, हस्तचालित असेंबली लाइन। अब इसको हम मिटाते हैं, आप देखिए एक बार और हम इसको समझा दें। इसमें हमेशा कोई बहुत बड़ा अगर कार्य है तो उसको छोटे छोटे भागों में हम तोड़ देते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा कार्य है तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको विभिन्न कार्य स्टेशनों से गुजार कर फिर उत्पाद का निर्माण किया जाता है, जिससे कि वह तोड़ तोड़ के एक आसानी से उत्पाद का प्राप्त कर लेगा। तो हम कहेंगे इसे कि इनके द्वारा, इनके द्वारा क्या होता है कि इसको आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य अंग जो होगा वो प्रवेश करेगा पहले कार्य स्टेशन पे, फिर वो जाएगा दूसरे पे, फिर तीसरे पे और फिर चौथे पे, इस तरह चल के हमको जो प्राप्त होगा वो आपका होगा उत्पाद। तो यहाँ पर हमेशा हम कुछ मजदूरों या वर्करों का प्रयोग करते हैं जो इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं, तो मजदूरों और वर्करों का प्रयोग करके हम इस स्वचालित असेंबली लाइन को चला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, स्वचालित असेंबली लाइन को चला सकते हैं। और ये आज के डेट में ये वाली जो असेंबली लाइन है वो उतनी कारगर नहीं मानी जाती है, आज के डेट में ये असेंबली लाइन उतनी कारगर नहीं मानी जाती। और इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा इसे यूज करके कार्य किया जा सकता है, इनके द्वारा इसे यूज करके हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो मैनुअली असेंबली लाइन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं मैनुअल असेंबली लाइन के। तो हम इसमें बताना ये चाहते हैं कि हमको जो भी कोई कार्य करना रहता है बहुत बड़े स्तर पर, तो उसको हम पहले एक निर्धारित कर देते हैं, उसका एक खाका तैयार करते हैं कि हर जगह पर अलग अलग उनके पार्ट्स को बनना है। एक ही जगह पर सारे पार्ट्स नहीं बनते, अलग अलग जगहों पर सारे पार्ट्स बनते हैं। तो जब सभी जगह पर अलग अलग पार्ट्स बनेंगे और फिर उनको क्या किया जाएगा, इकट्ठा एक जगह पर कर लिया जाएगा। इकट्ठा क्या कर लेंगे हम, एक जगह पर कर लेंगे। तो इनके द्वारा जो हमको पार्ट प्राप्त होगा, इनके द्वारा जो हमें पार्ट प्राप्त होगा वही हमारा हस्तचालित होगा। और इसमें समय ज्यादा लगता है, इसमें क्या लगता है, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि ये हाथ से ही क्रिया की जा रही है। अगर मशीनों का प्रयोग हम इस जगह पर करते हैं तो वो हमें कम समय में अधिक एक्यूरेसी के साथ उत्पाद प्राप्त करा देगा, लेकिन ये पहले के जमाने में बहुत कारगर माना जाता था और उस जगह पर आज के डेट में भी कारगर माना जा रहा है जहां पर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि मशीनों के लगाने से वहां पर हमको जो कार्य करने वाले वर्कर हैं या मजदूर हैं उनकी कौशलता को भी देखना पड़ेगा, हम
कौशलता मतलब यहाँ पे कि स्किल्ड वर्कर का प्रयोग हम करेंगे, जो उन मशीनों को पहले तो चलाना जाने और फिर उत्पाद को बनाना जाने। तो हम पहले के समय में ऐसे वर्करों को प्रयोग करते थे जो कि हस्तचालित तरीके से उसको हैंडल करें, उनको मशीनों पर कार्य करने के लिए प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज न हो। जबकि आज के समय में मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मशीनों की प्रोग्रामिंग जाननी पड़ती है। जब तक हम मशीनों की प्रोग्रामिंग को नहीं जानेंगे तब तक हम उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मशीनों की प्रोग्रामिंग को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें उन पर कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो ये चीजें हैं कि मुख्य अंग जो प्रवेश होगा वो क्या होता है, वो स्टेज दर स्टेज, स्टेशन दर स्टेशन आगे बढ़ते हुए फिर उत्पाद की ओर प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं हस्तचालित असेंबली लाइन। फिर है यह दो प्रकार का होता है। देखिए अब हम इसको बताएंगे ये कितने प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला है हस्तचालित लाइन और दूसरा है चालित कन्वेयर लाइन। पहला है आपका हस्तचालित लाइन, इसे हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल लाइन और इसे कहेंगे मूविंग कन्वेयर लाइन। ठीक, तो यह दो प्रकार का होता है, एक होता है हस्तचालित लाइन और एक दूसरा होता है चलित कन्वेयर लाइन। अब इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे कि मैकेनिकल लाइन जो है ये आपकी क्या है, नॉन मैकेनिकल लाइन, मतलब मैकेनिकल का मतलब यंत्र, यांत्रिक। तो यहां पर हम यंत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यंत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, यह नॉन मैकेनिकल मतलब कि नॉन यांत्रिक, मतलब यंत्रों का प्रयोग नहीं। तो वो जो जहां यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा वो आपका हस्तचालित हो जाएगा और जहां पर यंत्रों का प्रयोग होगा वो ये आपके क्या हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा। फिर है चलित कन्वेयर, तो यहां पर चलित कन्वेयर मतलब कि ये मूविंग कन्वेयर एक लाइन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। किस लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, मूविंग कन्वेयर लाइन का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला है आपका हस्तचालित लाइन, हस्तचालित लाइन इसे कहते हैं नॉन मैकेनिकल लाइन। इसमें लिखें इसमें किसी प्रकार के यांत्रिक उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें ऑपरेटर ही अंगों को कार्य स्टेशन पर
प्रवाहित कर देता है। ठीक, इसमें किसी प्रकार के यांत्रिक उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, और इसमें ऑपरेटर ही अंगों को कार्य स्टेशन पर प्रवाहित कर देता है। इसमें जो ऑपरेटर होगा वही क्या है, अंगों को वो कार्य स्टेशन पर प्रवाहित कर देगा। प्रवाहित का मतलब होता है आगे की ओर ले जाना, आगे की ओर ले जाना। ठीक, तो यही इसके अंतर्गत चीजें आती है। तो इसे हम लोग कहते हैं हस्तचालित असेंबली लाइन। क्या कहते हैं, हस्तचालित असेंबली लाइन, प्रचलित कन्वेयर लाइन, चलित इसमें देखिए यहां पर तीन चीजें इसके अंतर्गत हैं, जैसा है कि आपका कंटिन्यूअस ट्रांसफर लाइन, ठीक, कंटिन्यूअस ट्रांसफर लाइन, फिर सिंक्रोनस सिस्टम और फिर असिंक्रोनस सिस्टम, ये तीन प्रकार के अंतर्गत हम लेते हैं। तो हस्तचालित लाइन में तो किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम ऑपरेटर ही अंगों को आगे की ओर स्वचालित कराता है। पहले आप 2 बजे वाला ले लो, 55 फिर हम आपको। ठीक, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम उनको जो भी पॉइंट है आपके हस्तचालित लाइन के अंतर्गत वो आप कार्य स्टेशन पर ही प्रवाहित करने का क्रिया कर देता है। फिर चलित कन्वेयर लाइन, इसमें यांत्रिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कंटिन्यूअस ट्रांसफर लाइन, फिर असिंक्रोनस सिस्टम और फिर असिंक्रोनस सिस्टम, यह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी हस्तचालित लाइन है इसमें अवयव का या उपकरण का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसमें हम मैनुअली हर चीज को ऑपरेट करेंगे। और जब मैनुअली ऑपरेट करेंगे तब उस स्थान पर हम कहेंगे कि इसके द्वारा आसानी से उसको किया जा सकता है। तो ऑपरेटर जो रहेगा वही उनको पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में कार्य करेगा। इसमें जो ऑपरेटर रहेगा वो अंगों का यहाँ पर सीधे तौर पर तात्पर्य है पार्ट्स को, तो पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भेज सकता है। ठीक, कौन भेजेगा, वो यही भेजेगा। फिर आपका है कि कंटिन्यूअस ट्रांसफर लाइन, वो आएगा चलित कन्वेयर लाइन के अंतर्गत। जो चलित कन्वेयर लाइन है वो इसी के अंतर्गत आपकी आएगी। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, कंटिन्यूअस ट्रांसफर लाइन मतलब ऐसी लाइन जो कंटिन्यूअसली एक स्थान से चलती रहती है, क्या करती है वो एक स्थान पर वो चलती रहेगी। फिर सिंक्रोनस सिस्टम, तो सिंक्रोनस सिस्टम भी उसी बेसिस पर ही कार्य करता है। सिंक्रोनस सिस्टम जो होगा वो भी उसी बेसिस पर ही कार्य करेगा। ठीक, और सिंक्रोनस सिस्टम के अंतर्गत ही उसको हैंडल किया जाता है। तो कंटिन्यूअस ट्रांसफर लाइन, सिंक्रोनस सिस्टम और असिंक्रोनस सिस्टम, ये दोनों आपका चलित कन्वेयर लाइन के अंतर्गत ही आते हैं। फिर स्वचालित असेंबली निकाय, ये जो अगला आपका टॉपिक है,
ऑटोमेटिक असेंबली लाइन। ठीक, तो दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने की स्वचालित प्रक्रिया के लिए हम इस तंत्र को प्रयुक्त करते हैं। तो दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने की स्वचालित, मतलब दो या दो से अधिक अंगों को जब हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, तो यहां लिखेंगे हम दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने की स्वचालित प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त तंत्र को स्वचालित जोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्रमागत होती है। तो दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने की स्वचालित प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त तंत्र को हम स्वचालित असेंबली तंत्र कहते हैं। दो या दो से अधिक मीन्स टू और टू, मोर देन टू एलिमेंट्स टू एड। हम ये जानते हैं कि दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने की असेंबली प्रक्रिया असेंबली कहलाती है। तो वही चीज है कि दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू अंगों मतलब कंपोनेंट्स को जोड़ने की स्वचालित मतलब ऑटोमेटेड प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त तंत्र को हम लोग स्वचालित असेंबली तंत्र कहते हैं। और जोड़ने की क्रिया जो होती है वो क्रम के अनुसार मानी जाती है। जो जोड़ने की जो क्रिया होगी वो क्रम के अनुसार ही मानी जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं स्वचालित असेंबली निकाय। अब है स्वचालित असेंबली निकाय का डिजाइन। अब आते हैं स्वचालित स्वचालित असेंबली निकाय का डिजाइन। पहला है असेंबली की संख्या को घटाकर, असेंबली की संख्या को घटाकर कम से कम असेंबली की जाती है। अंगों की जटिलता महत्व नहीं रखती है। तो सबसे पहली चीज कि असेंबली की संख्या को घटाकर कम से कम असेंबली की जाती है। अब यहां पर असेंबली की जो संख्या हम घटा दे रहे हैं मतलब उसको कम से कम मिनिमम डाल दे रहे हैं, और यहां पर अंगों की जटिलता कोई महत्व नहीं रखती है। तो अंगों की जटिलता का मतलब यह हुआ कि जटिल अंग उसमें नहीं मिलेंगे हमको। तो अंगों की जटिलता का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक, तो अंगों की जो जटिलता होगी वो कोई इसमें महत्व नहीं रखती है। जटिलता का सीधे तौर पर तात्पर्य यह हुआ, जटिलता का तात्पर्य यह हुआ कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आसानी से काम नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अंगों की जटिलता का मतलब यह हुआ कि असेंबली की संख्या को घटाकर कम से कम असेंबली की जाती है। ठीक, तो अंगों की जटिलता इस पर महत्व नहीं रखती या इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अंगों की जटिलता का। दूसरा पॉइंट है
दूसरा पॉइंट आपका है एक ही असेंबली में यदि 12-13 पार्ट्स हैं तो उसे दो असेंबली में विभाजित कर लिया जाता है। तो उसे दो असेंबली में हम क्या करेंगे, विभाजित कर लिया जाता है। जिसे हम लोग मॉड्यूलर डिजाइन कहते हैं। एक या लिखा है एक ही असेंबली में यदि 12-13 पार्ट हैं तो उसे तो उस असेंबली में उसे दो असेंबली में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मॉड्यूलर मतलब कि अगर कोई असेंबली है, हम कई चीजों मतलब असेंबली का मतलब होता है जोड़ना, तो अगर उसमें 12-13 पार्ट लगे हैं तो उन 12-13 को हम क्या करते हैं, एक ही बार में नहीं जोड़ते, उसे दो असेंबली में डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर 12 है तो एक असेंबली में 6 और दूसरी असेंबली में भी 6, तो इस प्रकार से दोनों असेंबलियां मिला के वो 12 आपके बन जाते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड्यूलर डिजाइन इसी असेंबली को। ठीक, तो इसको हम समझा सकते हैं और हैं कि अगर असेंबली बड़ी है, मतलब यहाँ 12-13 है, 15-16-18-19 भी रहेगा, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब यह हुआ कि असेंबली 1 और असेंबली 2। तो असेंबली 1 और असेंबली 2, तो असेंबली 1 में आपके पार्ट 1 से लेके 12 और असेंबली 2 में पार्ट 13 से लेके 20, टोटल 20 पार्ट थे। तो हमने क्या किया, टोटल पार्ट इज इक्वल टू 20, मतलब टोटल जो 20 पार्ट थे हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में 12 और दूसरे में फिर। तो फिर यहां पर हम जोड़ दिए, तो असेंबली 1 असेंबली 2, तो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इसका मतलब पार्ट 1 असेंबली और असेंबली 2, असेंबली 2 में पार्ट 13 से 20 और असेंबली 1 में पार्ट 1 से 12। तो इस प्रकार से जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। क्या कहेंगे इसे, मॉड्यूलर डिजाइन कहेंगे इस प्रकार की असेंबली को। तो इस प्रकार की असेंबली को हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉड्यूलर डिजाइन के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो यह हो गई आपकी स्वचालित असेंबली निकाय का डिजाइन। तो ये अभी इसके दो पॉइंट हैं, अभी इसमें 4 पॉइंट और हैं, वो भी हम बता दें आपको। तीसरा, कम से कम नट बोल्ट रिवेट या अन्य जोड़ने के लिए अवयव का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा, एक कार्य स्टेशन पर केवल
एक ही पार्ट या अंग का संयोजन किया जाए। पांचवा, अंगों का ओरिएंटेशन, मतलब कि उनको रखने का तरीका, अंगों को रखने का जो तरीका है वो बता रहा है। अंगों का ओरिएंटेशन यथार्थता से होना चाहिए। छठा, जो छठवां पार्ट है आपका वो है स्वचालित असेंबली अंगों की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर पहला तीसरा पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि कम से कम नट बोल्ट रिवेट या अन्य जोड़ने के लिए अवयव का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब उसको जोड़ने के लिए हमको कम से कम रिवेट या बोल्ट का प्रयोग करना चाहिए। फिर एक कार स्टेशन पर केवल एक ही पार्ट या अंग का संयोजन किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई कार स्टेशन है तो उस पर बस एक ही प्रकार के अंग का निर्माण होना चाहिए। ये नहीं कि उस पर कई प्रकार के अंगों का निर्माण होगा तब उसको सही ढंग से हम समायोजित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तो हमको संयोजन करना है, यहाँ हमको क्या करना है, संयोजन। तो एक कार स्टेशन पर केवल एक ही पार्ट या अंग का संयोजन किया जाना चाहिए। फिर अंगों का ओरिएंटेशन यथार्थता से होना चाहिए। जो अंग होंगे, पार्ट्स होंगे, उनको जो रखने का ओरिएंट रखने का जो और दिखाने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ का मतलब ये होता है कि एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक, तो अंगों का ओरिएंटेशन यथार्थता से होना चाहिए। फिर स्वचालित असेंबली अंगों की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। तो स्वचालित अंगों की जो गुणवत्ता होती है वो हमेशा उच्च होनी चाहिए और अधिक होनी चाहिए। तो स्वचालित अंगों की जो गुणवत्ता होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आ गए स्वचालित अंगों की असेंबली लाइन का डिजाइन, स्वचालित असेंबली अंगों के डिजाइन। तो अब इसी के अंतर्गत हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आगे की ओर हम पढ़ेंगे, और जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो स्वचालित संयोजन तत्वों का वर्गीकरण होगा, स्वचालित संयोजन तत्वों का वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा।